हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात कर रहे थे एनपीओ में सब्सक्रिप्शन की, और बेटा हम है पेज नंबर 1.24 पर, और बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 14 पढ़ रहा हूँ मैं। बेटा फॉर्मेट को इग्नोर मारूंगा, मुझे ये पांच क्वेश्चन 25 मिनट में ख़त्म करने हैं, ठीक है जी? पांच क्वेश्चन 25 मिनट में ख़त्म करने हैं बेटा, और आपको बेटा अगले 25 मिनट में पांच बेटा क्वेश्चन और करके दिखाने, ठीक है जी? चलो जी। कहते हैं इन द ईयर एंडेड 31st of March 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द रॉयल क्लब वर 5 लाख इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2018 20,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। लो प्यारे बच्चों सामने देखना बाबू, अगर आपने फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ी है तो आपको ये पता लग गया होगा मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है। मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है यार, बोलो। 18-19, ठीक है ना? तो बेटा पहली लाइन पढ़कर मुझे समझ में आ गया कि मेरा फाइनेंशियल ईयर 18-19 है। कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द रॉयल क्लब वर 5 लाख इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2018 20,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2020 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2021। लो प्यारे बच्चों सामने देखना। कहता टोटल 5 लाख मिले, 5 लाख में से 16,000 रुपये पिछले साल के हैं, 31 मार्च 2018 के हैं, और बेटा 20,000 रुपये 31 मार्च 2020 के हैं, और 5,000 रुपये 31 मार्च 2021 के हैं। भाई मेरा फाइनेंशियल ईयर है 18-19 और पैसे आ रखे हैं 19-20 के भी और 20-21 के भी। ये 20,000 रुपये आ रखे हैं बेटा और ये 5,000 रुपये आ रखे हैं। कोई इंसान आया इस साल में, कोई 2 साल का पैसा दे गया, उसने कहा ये लो 18-19 के तो लो और 19-20 के भी ले लो। और एक इंसान, दो इंसान ऐसे भी आए जिन्होंने कहा लो 18-19 का, 19-20 का, 20-21 का, 3 साल का इकट्ठा ले लो। तो बेटा मेरा ईयर क्योंकि 2018-19 है, मेरे लिए तो ये भी एडवांसेस है, मेरे लिए तो ये भी एडवांसेस है, दोनों ही क्लोजिंग एडवांस है। और मैंने आपको बोला हुआ है बेटा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एडजस्टमेंट होती है बेटा जो इन दोनों पॉइंट पे होती है, ठीक है ना बेटा? रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एडजस्टमेंट है बेटा जो क्लोजिंग एडवांस पे हो सकती है। इस क्वेश्चन में एक नहीं है क्लोजिंग एडवांस, दो हैं, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल ईयर 2018-19 है और कहता है 19-20 के भी पैसे आए हुए हैं, 20-21 के भी पैसे आए हुए हैं, ठीक है ना? और मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तो 21-22 भी बोल, तो 22-23 भी बोल। अगर मैं इससे कंफ्यूज होने लग गया फिर तो मैंने कर लिया क्वेश्चन। इतनी बात ओके? कहां पर? कहां पर पढ़ो? इन द ईयर एंडेड 31st of March 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द रॉयल क्लब वर 5 लाख। कहता है जो साल 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है उसमें सब्सक्रिप्शन 5 लाख मिला, यानी कि मेरा फाइनेंशियल ईयर 18-19 है। इसने कहा 16,000 रुपये इस 5 लाख में ऐसे हैं जो 2018 के हैं। 2018 तो मेरा पिछला साल है, मैं तो उसको देख ही नहीं रहा अभी। आगे बढ़ो, 20,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो बेटा मेरा फाइनेंशियल ईयर ये, अगर 19-20 और 20-21 के लिए आए मेरे लिए तो दोनों ही एडवांस है, कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी बात में लिखो जी। अंश कुछ दिखाई दे रहा है वहां से जहां बैठ गया तू? आगे आ जाए यहां पर। चलो जी, तो बेटा मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूं, बस बेटा बिल्कुल चुप रहेंगे, सामने देखेंगे मेरी तरफ। मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 की। तो बेटा सबसे पहले मुझे एक चीज़ पता लगी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 5 लाख रुपए आए हुए, ठीक है जी? तो रिकॉर्ड करो जी, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 5 लाख रुपए आए हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? उसके अलावा, हाँ जी सर, सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय रॉयल क्लब ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है ना? सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जरूरी नहीं है कोई चीज रिसीव्ड जाए बेटा,
ऐसा हो सकता है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 4.5 लाख ही रिसीव किए, लेकिन इस 12 महीने का सब्सक्रिप्शन बैठता हो बेटा 6 लाख रुपए, तो मैं 1.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग दिखाकर 6 लाख रुपए रिकॉर्ड करता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कोई रिसीट बेसिस पे नहीं बनता, ठीक है ना? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिसीट बेसिस पे बनता है। कोई चीज आज रिसीव होगी रिकॉर्ड कर दो किस साल को बिलोंग करती है, मेरा लेना देना नहीं। दूसरी बात, दूसरा सबसे बड़ा इंट, वो कहता है जब ये 5 लाख रिसीव हुए इसमें पिछले साल का भी पैसा अगले साल का भी पैसा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पिछले और अगले साल का रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ करंट ईयर का रिकॉर्ड करता हूं। इसका मतलब है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही रिसीव हुआ होगा, ठीक है ना सर? चलो जी, तो बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 5 लाख, इसमें बेटा 2 एडवांसेस हैं 19-20 और 20-21 के। क्लोजिंग एडवांसेस हैं बेटा, एडवांसेस का ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी है, बाय साइड ब्रॉड डाउन करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस बेटा टू साइड कैरेट डाउन करते हैं, कितने कितने हजार रुपए, 20,000 और 5,000, 25,000 रुपए। लो जी प्यारे बच्चों बताओ, इतनी बात ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ू आगे, चलो जी। कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2018 23,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2018 को। बेटा मेरा साल है 18-19, यानी कि मेरा साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2018 को, और कहता है 31 मार्च 2018 को, यानी कि बेटा ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। साल शुरू होते ही आउटस्टैंडिंग था बेटा कितने रुपए? 23,000 मैंने साल शुरू होते ही लोगों से लेने थे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 23,000। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? और आपको भी पता है एडजस्टमेंट ना इस पे होगी ना इस पे होगी ना इस पे होगी, बेटा जब होगी तो सोचेंगे, अभी रिकॉर्ड करते चले जाओ जितना आपको पता है। कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019 वर 40,000। अभी रिकॉर्ड करूंगा इसको, मुझे पता है पेज यही होगा बेटा। आगे बढ़ो जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31st of March 2018 18,000। बेटा ओपनिंग एडवांसेस है, ओपनिंग एडवांसेस 18,000 के, लो रिकॉर्ड कर दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000, और बेटा अब मुझे रिकॉर्ड करने हैं बेटा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। लो प्यारे बच्चों अब सुनना, आप बता दो कितना रिकॉर्ड करो, फटाफट से ये बता दो कितना रिकॉर्ड करूं मैं, देख लो एक बार, मैंने नहीं बताना बेटा, बताना आप नहीं है। सेकेंड पॉइंट पढ़ लो आराम से, कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019 40,000, और बेटा रीड ये भी करा देता हूं आपको, सामने देखना मेरी तरफ देखना बाबू। शुरू में मैंने लोगों से 23,000 रुपए लेने थे 1 अप्रैल 2018 को, जब मेरा साल शुरू हुआ तो कहता है 31 मार्च 2018 तक के आउटस्टैंडिंग है 23,000 रुपए। आपने लोगों से 23,000 रुपए लेने हैं, लेकिन बेटा जब 5 लाख रिसीव हुए, कहता है इंक्लूडिंग 16,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2018। 5 लाख में से 16,000 ऐसे हैं बेटा जो 2018 के आपके पास आ गए हैं, तो यानी कि बेटा 7,000 रुपए तो ये अभी भी लोगों से लेने हैं। मैंने लेने कितने थे बेटा? 23,000 लेने थे, लेकिन जब 5 लाख आए उसमें कहता है 16,000 रुपए आ गए 2018-19 के, 7,000 वो लेने हैं बेटा। और बेटा कहता है 40,000 उस साल के लेने हैं जो 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है। बेटा देखो एक बात बता देता हूं, अब ना आपको डेट दिखाई दे रही होगी, आधे से 31 मार्च 2019 दिखाई दे रही है ना, आधे बच्चे पागल होके लिख देंगे 40,000 की 40,000 में ही 7,000 है। लिखोगे ना, मुझे पता है तुम्हारे पागलों का इलाज नहीं है, तुम्हारी ग्रामर बड़ी वीक है। क्वेश्चन तो पढ़ लो, खाली डेट ही देखोगे। सेकेंड पॉइंट पढ़ो आराम से, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2019 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उस साल का जो साल 19 को खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है। सर जो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को, यानी कि सिर्फ 18-19 की बात कर रहा है, 18-19 का 40,000 सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है बेटा। तो बाबू पहले का भी तो पेंडिंग है हमारे पास, 17-18 का कितना पेंडिंग है अभी भी? 7,000 रुपए, 23,000 लेने थे 16,000 आए, तो बेटा टोटल 47,000। सर देखो एक बात सुन लो, जाना ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी बड़ी जरूरी है। अगर ये कह देता ना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st of March 2019, तो एज एट का मतलब हुआ 31 मार्च 2019 के दिन सिर्फ 40,000 ही लेने हैं, पिछले सारे मिला लो 40,000 लेने हैं, तो बेटा यहां मैं सीधा 40,000 ही दिखाता। लेकिन उसने क्या बोला,
subscription outstanding for the year ended 31st of March 19. Subscription outstanding है उस साल का जो साल 31 मार्च 19 को खत्म हो रहा है, यानी कि बात सिर्फ 18-19 की चल रही है, 18-19 के 40,000 है। तो बेटा 17-18 के भी तो पैसे हैं बेटा, जो लोगों से लेने थे हमने 7,000 रुपए, तो मैंने टोटल कर दिया। आपको बता रहा हूं बेटा, यही केस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कितने क्वेश्चन मैं इस पे करा चुका हूं, सिर्फ डेट में उलझाता है आपको और कुछ नहीं करता, और आप उलझते हो। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट खत्म, क्वेश्चन बढ़े आगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 15। सर जिसकी भी प्रॉब्लम होगी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, इन इलस्ट्रेशन से रिलेटेड, बाद में किसी की नहीं होगी। रोज मैं देखता हूं बेटा, बैच में हम प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे, हम बाद में रुकेंगे प्रॉब्लम के लिए, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अभी होगी प्रॉब्लम। ये मत कहना बेटा 5 मिनट ये बता दो, ये बता दो, अभी पूछो बेटा जिसने जो पूछना, ठीक है जी। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 15 कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st of March 19। मुझे निकालना है बेटा इस बार क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना 31 मार्च 19 को, ठीक है जी। बेटा आगे बढ़ो, कहता है अ क्लब हैज 250 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। कहता है एक क्लब के पास 250 मेंबर हैं, 1000 रुपये सबका एनुअल सब्सक्रिप्शन है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2,50,000 रुपये आने चाहिए, ठीक है जी। कहते था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड शोड अ सम ऑफ 2,65,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं कि 2,65,000 रुपये आए हुए हैं, ठीक है जी। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, चलो जी पढ़ो बेटा क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज सॉरी ऑन 31 मार्च 18 40,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st of March 19, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st of March 18 12,000। सब कुछ पता है बेटा, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, 5 चीज़ें बिल्कुल क्लियर दी हुई हैं और किसी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल क्लियर दी हुई हैं। तो मेरे को क्या निकालना है बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। लो अभी निकाल देता हूँ बेटा, लो एक मिनट में कैलकुलेट करते हैं। लो प्यारे बच्चों सामने देखना बेटा, 250 मेंबर है क्लब के, हर एक का सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपए है, तो टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितने रुपए आने चाहिए थे, 2,50,000। बेटा रिसीट एंड पेमेंट में कहता है कि 2,65,000 रुपए आए हुए हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपको देता है 40,000, ओपनिंग एडवांसेस सॉरी पहले क्लोजिंग एडवांसेस हैं 30,000 के, फिर ओपनिंग है बेटा 12,000 के, आ गया बैलेंसिंग फिगर, आंसर खत्म। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 50, इतना ही हल्का खत्म हो जाएगा। चलो जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 16, लेवल बढ़ना चाहिए, मजा आना चाहिए। चलो जी प्यारे बच्चों, बेटा एक काम करते हैं, पहली ट्राई आपकी है इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे, पूरे 5 मिनट में ही लेंगे, मुझे फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा फटाफट से अकाउंट बनाओ, फटाफट से सॉल्व करके दिखाओ, 5 मिनट आपके हैं बेटा, आप शुरू हो जाओ, जो खड़े हैं बच्चे बैठ जाओ। चलो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 16 अटेम्प्ट करते हैं, एक बार आपने ट्राई कर लिया बहुत अच्छा, मैंने पूरे 5 मिनट दिए, अब आप सामने देखेंगे बेटा, अब आप ट्राई नहीं करेंगे, अब सिर्फ समझेंगे बेटा चीज़ों को। बाबू बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of फॉर द ईयर 2019-20। यानी कि ये समझ में आ गया कि मेरा साल 2019-20 है, ठीक है, मेरा साल 2019-20 है, हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 की, और मुझे कैलकुलेट करना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा, ठीक है, यही लिखा हुआ है, पढ़ना जरा आगे। कहता है अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ब्रैकेट 2 मिनट के लिए छोड़ दो, अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 7,80,000, ठीक है ना, रिसीट एंड पेमेंट साइड में बेटा कितना रिसीव हुआ, 7,80,000। अगर आज तक हम ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे ना बेटा तो बस, तो फिर हम क्या ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। लो जी बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ इसमें नहीं है कोई दिक्कत, पढ़ो आगे बेटा। ये 7,80,000 का ब्रैकेट पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग 20,000 फॉर द ईयर 2018-19। बेटा मेरा ईयर कौन सा है, 19-20, कहते हैं इसमें 20,000 रुपये पिछले साल के भी मिले हैं, ठीक है मिलने दो अभी,
देखेंगे बेटा कहां पर रोल आएगा, मुझे भी पता है यहीं जाके इसका रोल आता है, कोई नहीं देखेंगे। और कहते हैं 30,000 रुपये मिले हैं बेटा 2020-21 के और 10,000 मिले हैं 21-22 के। लो बेटा सामने देखना बाबू, 20-21 का भी एडवांस मिला है, 21-22 का भी एडवांस मिला है। मेरा ईयर है 19-20, लोग अगले साल का भी एडवांस देंगे और अगले से अगले साल का भी एडवांस देंगे, दो सालों का एडवांस देंगे बेटा। कितने रुपए? 30,000 रुपये और 10,000 रुपये, ऐसा ही है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लोजिंग एडवांसेस कितने दे गए बेटा? 40,000 रुपये। यार देख लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ आई है बात? किसने इतना ठीक करा क्वेश्चन? ये फिगर और ये फिगर बिल्कुल उतार दी ठीक, इतना भी ठीक नहीं कर पा रहे आप। यार इलस्ट्रेशन 15 शायद मैंने पहला क्वेश्चन 14 कराया था ना, 14 में भी तो यही था। एक बार जरा देखना जरा, आज तुम्हारे को दिखाई दूं बेटा, क्योंकि तुम अगर दो क्वेश्चन के बाद भूलने लगोगे तो भाई मेरा तो गुजारा चल नहीं सकता। इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखना, जब इंसान ने 500,000 रुपये रिसीव करे थे तो 16,000 पिछले साल के थे, 20,000 और 5,000 अगले दो सालों के थे। सर क्या है इलस्ट्रेशन 14 से 16 में डिफरेंस? अब तक कोई भी डिफरेंस नहीं है सर, इतना तो ठीक करो कम से कम बंदा, ताकि तो मैं अगला नया स्टेप पढ़ाऊं। मैं हर बात बोलता हूं कि एक हर एग्जाम्पल में एक नई बात सीखना, तुम पिछली नहीं सही करते तो बेटा अगली सीखोगे क्या? सर इलस्ट्रेशन 14 के स्टेटमेंट और इलस्ट्रेशन नंबर 16 के स्टेटमेंट, मुझे नहीं लगता कोई भी अंतर है, बाकी आपको पता। चलो खैर बढ़ो आगे बेटा। लो जी, तो बेटा इस साल रिसीव हुए 7,80,000, इस 7,80,000 में से बेटा 20,000 पिछले साल के है 2018-19 के, और बेटा बाकी 30,000 और 10,000 आने वाले अगले दो सालों के। तो बेटा मेरे पास क्लोजिंग एडवांसेस कितने हैं अभी तक? 40,000 के। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1st of April 19, ब्रैकेट बाद में पढ़ेंगे बेटा। कहता है 1 अप्रैल 2019 को 35,000 रुपये एडवांस आया हुआ है। बेटा 1 अप्रैल 19 मेरे साल का पहला दिन है, तो बिगिनिंग में एडवांस है बेटा 35,000, कोई दिक्कत तो नहीं? किसका ठीक है बेटा? किसने ये भी चीज ठीक कर दी? अच्छा चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ना बेटा। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, अभी मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया उसका, ब्रैकेट बाद में बढ़ूंगा। सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 1st of April 19, सब्सक्रिप्शन एरियर है यानी कि आउटस्टैंडिंग है 1 अप्रैल 2019 को। मेरा साल ही कौन सा है? 1 अप्रैल 19 मेरा साल शुरुआत हुई, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बेटा मेरे पास आउटस्टैंडिंग है 40,000 के, कोई दिक्कत तो नहीं? ये भी किसका ठीक है? ठीक है। और बेटा बोलता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 31st of March 2020 50,000, 31 मार्च 20 को 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, और इस 50,000 में पिछले सारे सालों का होगा बेटा। देखो अब आपको बता देता हूं बेटा, क्योंकि मेरे को बताया उसने 31 मार्च के दिन 50,000 रुपये लेने, आपने 31 मार्च के दिन लेने, तो बेटा पिछले सारे मिला लो। उसने ये नहीं कहा बेटा जो साल 19-20 को खत्म हो रहा है उसके 50,000, अगर ये कह देता 19-20 के 50,000 है तो मैं क्या करता बेटा, पिछले भी निकालता 18-19 के। देखो 18-19 में लोगों से लेने थे 40,000, और बेटा जब ये 7,80,000 रिसीव हुए थे, ब्रैकेट में लिखा हुआ था 20,000 18-19 के भी रिसीव हुए, यानी कि बेटा 20,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग थे। इस 50,000 में वो 20,000 है ना, जब इसने कह दिया 31 मार्च के दिन, तो यानी कि भाई एडजस्टमेंट इस बार इस पर भी नहीं आई, एडजस्टमेंट इस पर भी नहीं आई, इस पर भी नहीं आई, इस पर भी नहीं आई, तो एडजस्टमेंट आएगा वो ब्रैकेट है, बट लो आज अब बहुत मजा आ जाएगा बेटा, एडजस्टमेंट इस बार इस पर है। चलो जी पढ़ो 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 पढ़ो। कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1st of April 19 35,000, मैंने दिखा दिया। कहता है 1 अप्रैल 19 के दिन 35,000 रुपये एडवांस आया था, ठीक है जी आया था, तो 1 अप्रैल 19 के दिन आया था साल के शुरू में ही, ठीक है जी। पढ़ना बेटा बाबू, ब्रैकेट कहता है इंक्लूडिंग 15,000 फॉर द ईयर 2021, इधर देखना मेरी तरफ। कहता है इसमें 15,000 वो भी है जो 2021 का है। अब एक बात सुन सर, इसने बोला 1 अप्रैल 19 के दिन 35,000 रुपये एडवांस आया, ये तो मेरे साल की बिगनिंग है, बिगनिंग एडवांस मैंने दिखा दिया। अब आप खुद सोचो, कहता है 15,000 इस साल का भी आ गया 2021 का, मेरा साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 20 को,
अब मेरे एंगल से सोचो, 31 मार्च 20 को साल खत्म हो रहा है मेरा, और इसने बोला 20 21 के भी 15 जा रहे हैं, तो ये 31 मार्च 20 के दिन भी तो एडवांस ही है, अगले साल का है ना भाई, अगले साल के 15 जा रहे आए हुए हैं। 31 मार्च 20 को मेरा साल खत्म हो रहा है, कह रहा 20 21 के भी 15 जा रहे हुए हैं। 20 21 साल कौन सा है बेटा, अगले दिन से शुरू होगा और पूरा साल है अभी। 31 मार्च 20 के दिन सोचो तो बेटा क्या ये क्लोजिंग एडवांस भी है, तो बेटा ये 15,000 तो क्लोजिंग एडवांस भी है, और अगर क्लोजिंग एडवांस भी है तो बेटा यहां पे भी तो ऐड होना चाहिए। समझ आई, पहली बार एडजस्टमेंट कर रहा हूं इस पे, और मैंने कहा था रेयर ऑफ द रेयरस्ट सर्कमस्टांस है इसके ऊपर एडजस्टमेंट आती है। समझ आई बात, ओके है बात, समझ आई एडजस्टमेंट क्या है बेटा। ब्रैकेट पढ़ लो, सिर्फ ब्रैकेट में सब कुछ। 1 अप्रैल 19 के दिन 35,000 रुपए एडवांस आया, मेरा साल ही बेटा 19-20 है, 1 अप्रैल 19 के दिन आया बेटा, 1 अप्रैल 19, तो बेटा साल के बिगनिंग में ही 35,000 एडवांस आया हुआ है। कहते हैं 35,000 में 15,000 वो भी है जो 20-21 का है। सर ये साल के शुरुआत में भी एडवांस है, जब साल खत्म हो रहा है तो तब भी एडवांस है, तो साल खत्म हो रहा है मैं तो तब भी एडवांस दिखाऊंगा ये 15,000। क्लियर बात। अब लास्ट लाइन, आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन एरियर 1 अप्रैल 2019 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल। कहता है 1 अप्रैल 19 को जो लोगों से पैसे लेने थे आउटस्टैंडिंग के, उसमें से 15,000 रिकवर नहीं हो पाएंगे, वो 15,000 रिकवर नहीं हो पा रहे। चलो ठीक है, मतलब लोगों ने मना कर दिया कि वो हमारे मेंबर बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहे, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ होगा। बेटा जब रिकवर नहीं हो पा रहे, कायदे से मेरे तो लॉसेस हो गए एनपीओ के। एक बात बताओ, मैं एनपीओ में बेटा 2 बार बैलेंस शीट बनाता हूँ और 1 बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूँ, ऐसे ही करता हूँ ना मैं, 2 बार बैलेंस शीट बनाता हूँ ओपनिंग और क्लोजिंग, और 1 बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूँ, मेरे लॉसेस कहाँ पे बुक करूँ सर, कहाँ बुक करूँ, बैलेंस शीट में बुक करूँ या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बुक करूँ, सर बोलना तो पड़ेगा आपको, एक्सपेंडिचर साइड बुक करूँ, आप भी यही कह रहे हो मैं भी यही कह रहा हूँ, तो कहाँ बुक होंगे लॉसेस बेटा, एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड कौन सी है बेटा, 2 साइड है, यहीं पर तो बुक करूँगा कि मेरे से रिकवर नहीं हो रहे बेटा ये 15,000 रुपये इररिकवरेबल हैं बेटा। तो बाबू एक बात बताओ, जब आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करे होंगे बेटा कि ये 15,000 का सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा, तो बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कहाँ जाएगा बेटा, बाय साइड ही जाएगा, किस नाम से जाएगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 15,000। बाबू बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, यही आएगी बेटा जो भी दी हुई है बुक में, आंसर होगा बेटा कितना है, 785। तो बेटा कैलकुलेट कर लेना, 785 भी आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ आई बात, बाबू पहली बार है देख लो, ये भी सिंपल दिया हुआ था, 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 एडजस्टमेंट इस पे डाल दी, और मैं इस चीज को एडजस्टमेंट नहीं मानता यार, जितना इसका हल्का लेवल था ना उतना हो नहीं सकता, ठीक है ना। क्या कहा इसने, कुछ भी नहीं, 1 अप्रैल 19 के दिन 35,000 है, इसमें से 15,000 20-21 के हैं, तो सर क्या बात कर दी, इतनी छोटी सी बात कर रहे हो आप, ठीक है ना। वो अगर आपने एडवांस दिए हैं बेटा, वो ओपनिंग में तो एडवांस है, वो तो क्लोजिंग में भी एडवांस है, बस और कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल बात। बढ़े आगे, चलो जी इलस्ट्रेशन नंबर 17 और 18, 2 इलस्ट्रेशन बचे हैं मेरे पास सब्सक्रिप्शन पर। बेटा आज सब्सक्रिप्शन वाला मुद्दा खत्म हो जाएगा, मैंने आपसे प्रॉमिस की थी मैं 3 से 4 दिन लगाऊंगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा टाइम लगाया और पूरा समझाने की कोशिश की है। देखो एक बात बता देता हूँ, 4 नंबर का क्वेश्चन ही आपको फंसा सकता है जो सब्सक्रिप्शन पे आएगा, जब 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है ना उसमें सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, उसमें तो यही दिया होता है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर एडवांसेस बिगनिंग ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, वहाँ सब्सक्रिप्शन मुश्किल कभी नहीं होता, सब्सक्रिप्शन मुश्किल सिर्फ 4 नंबर में आ सकता है, 6 नंबर के क्वेश्चन में नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ देने के लिए बहुत कुछ है एडजस्टमेंट, ठीक है जी। तो सब्सक्रिप्शन का खात्मा तो आज ही करके जाएंगे भाई। चलो जी इलस्ट्रेशन नंबर 17 मेरे साथ साथ रीड करेंगे आप। कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 16 बाय द रॉयल क्लब वॉज एज अंडर। बेटा मेरा फाइनेंशियल ईयर मुझे पता लगता है इससे 15-16 है, 31 मार्च 16 के दिन रिसीव करा ना बेटा, जो साल 31 मार्च 16 को खत्म हो रहा है,
तो बेटा मेरे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा कुछ नज़ारा दिखाई दे रहा होगा कि 2014-15 के पैसे आए हैं, 3015-16 के आए हैं, 93,000 16-17 के आए हैं, 2000 यानी कि कुल मिलाकर 98,000 रुपये आए हुए हैं। तो सर क्या करूँ बेटा, कहाँ लिख दो ये 98,000? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो। लो कहाँ लिखो, साफ सुन गया, कहाँ लिखो यार, बोलो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दूं, कुछ कॉन्फिडेंस है जिंदगी में या खत्म हो गया? बेटा अभी ये वंश बोल रहा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही लिखने हैं। क्यों वंश भाई? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना सिर्फ एक साल से रिलेटेड खर्चे, एक साल से रिलेटेड इनकम जाती है। अगर वो कह रहा 14-15 के भी हैं, 15-16 के भी हैं, 16-17 के भी हैं, ऐसी चीज सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ही होती है। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता सिर्फ 15-16 की बात कर रहा होता, मैं बात ही ना कर रहा होता किसी चीज की। लो एक बार लिख देता हूं बेटा, क्योंकि यहीं से समझाना ज्यादा आसान होता है। बेटा ये पैसे आए हुए हैं 3000, ये आए हुए हैं 93 और ये आए हुए हैं बेटा 2000, कुल मिलाकर 98,000 आए हुए हैं, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एडजस्टमेंट इज ऑन द क्लोजिंग एडवांसेस। बेटा मेरा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2016 को, अगर मेरे पास 16-17 के पैसे आए हुए हैं, क्लोजिंग एडवांस है कितने रुपए बेटा? 2000 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं, पहले भी किया भाई ऐसे तो रिकॉर्ड। मैं सबसे पहले यही दो चीज रिकॉर्ड करने को कहता हूं आपको, कभी भी नहीं कहा मैंने कुछ और रिकॉर्ड करो। बड़े आगे चलो बेटा, कहते हैं क्लब हैज 500 मेंबर ईच पेइंग 200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। क्लब के पास 500 मेंबर है, सबका 200 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन है, 1,00,000 रुपए। कहां दिखाऊं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर पक्का। लो प्यारे बच्चों दिखा दिया बेटा, आगे बढ़ना। कहते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st of March 2015। सुन लो, मेरा साल कौन सा है? 15-16। कहता है 31 मार्च 15 या 1 अप्रैल 15, कोई फर्क तो नहीं है बेटा, यानी कि मेरे बिगनिंग में ही आउटस्टैंडिंग है ना। ये बिगनिंग के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 8,000। लो क्वेश्चन देखो कितना हल्का, सब खत्म हो चुका है, पढ़ना बस पढ़ना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन एज इन इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016 एंड शो द रेलिवेंट डेटा इन द बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2015 and 2016। सर सुन लो, इसने कहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड कितना दिखाओगे? और भी कुछ हल्का पूछ लेता, एक तो ये दिखा दिया। कहता और बैलेंस शीट में बता दो क्या दिखाओगे। सर बैलेंस शीट में दिखाने के लिए ना मुझे ओपनिंग भी सब कुछ पता होना चाहिए। ये ओपनिंग एसेट है, ये ओपनिंग लाइबिलिटी होती है, ये क्लोजिंग लाइबिलिटी है, ये क्लोजिंग एसेट है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। तो बेटा मेरे को दो दो चीजें निकालनी है क्या? सर देखो, दो चीजें तो दो वेरिएबल तो कभी नहीं निकलते। अगर कभी ऐसे फंसो तो हमेशा ध्यान रख लेना, ओपनिंग एडवांसेस को आप जीरो एज्यूम कर सकते हो, यानी कि ओपनिंग में कोई एडवांस नहीं आया, यानी कि कैलकुलेट क्या होगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब बेटा बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी, निकालो फटाफट से, और क्या करना है। 1,10,000, 12,000 आ गए। ये रटने वाले बच्चों के लिए आए, समझाने वाले बच्चों को तो मैं समझा दूंगा ये 12,000 कैसे आएंगे। रटने वालों ने रट्टा मार लिया, बैलेंसिंग फिगर आ गई। समझने वाले बच्चे सामने देखेंगे बेटा, एक बार में समझा दूंगा। 12,000 ही आएगा मेरा आंसर, और इससे वेरीफाई हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया। कैसे आएगा देखो समझो बेटा। कहता है सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था 8,000 रुपए, मैंने 8,000 लेने थे, सामने देखते रहो। 1 अप्रैल 15 के दिन मैंने 8,000 लेने थे, और जैसे जैसे साल बढ़ा मेरा 15-16, वैसे ही बेटा लोगों के 3,008 में से आ गए। 3,000 आ गए, कितने नहीं आए बेटा? 5,000 तो बेटा अभी नहीं आए मेरे पास पिछले साल के, और रही इस साल की बात, क्लब के पास 500 मेंबर हैं, सबका सब्सक्रिप्शन कितना है? 200 रुपए। कितने आने चाहिए थे? 1,00,000। इस साल के कितने पैसे आने चाहिए थे मेरे पास? 1,00,000। इस साल के मेरे पास कितने आए? तो कितने नहीं आए इस साल के? आ गया, रटने वाले बच्चों की मौज है भाई, उनके लिए तो बैलेंसिंग फिगर आई, हमारे लिए बैलेंसिंग फिगर कभी नहीं आई। मेरे जैसा बच्चा बैलेंसिंग फिगर कभी निकाल लेना, मुझे मैंने समझा हुआ है, मैं क्यों रटूं? जिसने समझा हुआ है उसे रटने की जरूरत क्या है? आया नहीं क्या 12,000? इससे आसान भी कुछ हो सकता है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 8,000 है, मेरे को तो यहीं से दिखाई दे रहा, बुक भी ना पढ़ूं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 8,000 है, 8 में से 3 ही तो आए, तो बेटा 5,000 तो भी पिछले साल के ही रहते हैं। इस साल मेरे 1,00,000 लेना था लोगों से, इस साल लोगों ने दिया तो 93,000 है, 7,000 इस साल भी तो नहीं दिया, और इससे आसान कैसे हो सकता है भाई?
ठीक है जी। लास्ट वन इलस्ट्रेशन नंबर 18 और सब्सक्रिप्शन का भोग डाल रहे हैं, ये भी बहुत हल्के लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा ही थका हुआ। चलो पहली ट्राई आपकी है, पहली ट्राई आपकी है बेटा इलस्ट्रेशन 18 पे, करो जी ट्राई। चलो बेटा बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18, कहता है एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016 आर गिवन बिलो, दैट मींस मेरा ईयर 15-16 है, ठीक है जी। बेटा बोलता है 14-15 के 3000 रुपये आए, 15-16 के 96000 रुपये आए और 16-17 के 2500 रुपये आए और टोटल पैसे आए बेटा 101,500। लो बेटा 3000 आए 96,2500, 101,500 रुपये आए हुए हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो बेटा रिकॉर्ड कर दो, लो जी बेटा रिसीट एंड पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर दिया 101,500, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ो आगे। बेटा बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st of March 2015 5000। बेटा 31 मार्च 2015 के दिन, मेरा साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2015 को, 31 मार्च 2015 या 1 अप्रैल 2015 कोई फर्क नहीं है बेटा, यानी कि बेटा ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 5000 के, कोई दिक्कत तो नहीं अब तक, बढ़े आगे। कहता है टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st of March 2016 12000। लो बेटा कहता है 31 मार्च 2016 को बस 12000 रुपये टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2016 को, सर 31 मार्च 2016 में मतलब पिछला सब आ गया, देखो पिछला है, पिछला कैसे पता लगेगा सामने देखो। सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5000 था, मैंने 5000 रुपये लेने थे बेटा 1 अप्रैल 2015 को, जब साल शुरू हुआ तो मैंने लोगों से 5000 लेने थे पिछले साल के। कहता है ये इस साल में पिछले साल के भी 3000 रुपये आए हुए हैं, यानी कि बेटा 5 लेने थे 3 आए हुए हैं, 2 अभी भी है ना उधर, 2 पिछला है बेटा, यानी कि 10 इस साल का होगा, मिलाकर टोटल 12 जा रही है, ठीक है ना जी। मैंने एनालिसिस करा दिया, चाहे मैं नहीं भी कराता आप फिगर लिखोगे तब भी ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और कहता है बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st of March 2015 2800। सर 31 मार्च 2015 का एडवांस, 31 मार्च 2015 या 1 अप्रैल 2015 डेट सेम है बेटा, यानी कि ये ओपनिंग एडवांसेस है 2800 के। तो बेटा मुझे निकालना क्या है, पढ़ना जरा बेटा क्या निकालना है आपको, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड शो द रेलेवेंट डेटा इन द बैलेंस शीट एज एट 31st of March 2015 31st of March 2016। बेटा क्लोजिंग एडवांसेस नहीं पता क्या, पता है मैंने लिखे नहीं इस बार जल्दबाजी में ही रे बाबू, मेरा साल खत्म होना है 31 मार्च 2016 को, आप सोचो 31 मार्च 2016 को किसी ने 16-17 के भी पैसे दिए हुए 2500 रुपये, ये तो मेरे को सबसे पहले रिकॉर्ड करना था। तो बेटा बैलेंसिंग भी कर कैलकुलेट हो जाएगा, है क्या क्वेश्चन, सब कुछ तो गिवन है सिंपल, वो भी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है कहीं पर भी, सिंपल आपके लिए होमवर्क हो जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 to 18। और बेटा आपको बता देता हूँ अब सिर्फ बड़े क्वेश्चन हमारे कोर्स में रहते हैं बेटा, जितने भी तगड़ी एडजस्टमेंट थी मैंने सारी करा दी, ठीक है ना। हमने बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात कर ली है, हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात कर ली है, हमने सब्सक्रिप्शन की बात कर लिया, अब तो बेटा बस सीधे क्वेश्चन होंगे बड़े क्वेश्चन, ठीक है ना जी। और चैप्टर बस आखिरी सांस से ले रहा है मेरी तरफ से, तो मैंने तो कुछ नहीं कहना, मैंने आना है नेक्स्ट क्लास में कह देना 25 क्वेश्चन होमवर्क, बस करते रहो बस, फिर और क्या। अभी मंडे को बेटा पहले टेस्ट प्रिपेयर कर लेना, ठीक है जी, मंडे को टेस्ट लेना है मुझे इन तीनों चीज़ों का बेटा, टेस्ट प्रिपेयर करके आना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।